दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2024 के नए सिलेबस के बारे में। आप लोग जानते हैं कि 2024 में पहली बार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी बात करेंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसका सिलेबस पेपर वन और पेपर टू का क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, इसके अलावा यहाँ पर पासिंग मार्क कितना रहेगा, जो अदर स्टेट के छात्र हैं उनके लिए कितना पासिंग मार्क है और बिहार के अलग अलग कैटेगरी के छात्र उनके लिए क्या पासिंग मार्क है, ये सारी बातें इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर वन के परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो देखिए, आपको बता दें यहाँ पर जो पेपर वन है वो 9th-10th के लिए होता है और पेपर टू 11th-12th के लिए होता है। तो परीक्षा पैटर्न आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद सिलेबस पर भी हम बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस विद PDF आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे और डाउनलोड भी कर पाएंगे आप इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें, कुल यहाँ पर 150 अंकों की आपकी परीक्षा होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। एक प्रश्न एक नंबर का होगा और इसके लिए कुल मिलाकर के 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का वक्त है। और इस तरीके से देखेंगे तो आपको जो है एक प्रश्न हल करने के लिए लगभग 1 मिनट का समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अगर कोई उत्तर गलत हो जाता तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, आप तुक्का वगैरह भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक नज़र डाल लेते हैं हम इसके पैटर्न को लेकर के टेबल वाइज। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या परीक्षा में आएगा। आपका प्रासंगिक विषय या अनुशासन, इससे संबंधित आपके 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का ये पेपर होगा। इसके अलावा शिक्षण क्षमता, तार्किक एवं तार्किकता, तर्क शक्ति एवं तार्किकता, इससे संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के परीक्षा में आपके 150 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का ही पेपर है और दोनों को मिलाकर के 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। इसी प्रकार पेपर टू की बात करते हैं, तो पेपर टू में लगभग सेम ही चीज़ें हैं। इसमें भी आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एक उत्तर के लिए एक नंबर दिया जाएगा आपको, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रासंगिक विषय अनुशासन से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे और शिक्षण योग्यता और पात्रता सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर का पेपर होगा। अभी मैं सभी का डिटेल्ड सिलेबस आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आप देखिएगा। अब यहाँ पर आप पेपर वन का सिलेबस देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो सामने स्क्रीन पर देख रहा है साइंस का सिलेबस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 2 पार्ट होंगे। तो पार्ट वन जो है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। सपोज करो आप साइंस के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं तो साइंस से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप गणित के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं तो गणित से संबंधित 100 प्रश्न होंगे। मतलब आपके विषय से संबंधित यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइंस का जो सिलेबस है इसमें डिटेल्ड वाइज दिया गया है, चैप्टर वाइज सभी टॉपिक बताए गए हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस दिया गया, ये आपका साइंस का 100 नंबर पार्ट वन का सिलेबस है। अब अगर आप पार्ट टू की बात कर लेते हैं, पार्ट टू एक तरीके से यहाँ पर जनरल पेपर है। तो पार्ट टू में यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट टू आपका 50 नंबर का है। अब ये पार्ट टू जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी। तो आर्ट ऑफ टीचिंग ये आपका 30 नंबर का आएगा और अदर स्किल्स यहाँ पर 20 नंबर का आएगा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या आएगा वो देखिए यहाँ पर, टीचिंग एंड लर्निंग मीनिंग प्रोसेस एंड करेक्टरिस्टिक्स, फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इसका भी मीनिंग टाइप्स और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये पढ़ना है, फिर टीचिंग मेथड्स है, लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग है, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम है, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी है, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवेलुएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये आपका एक तरीके से जनरल पेपर हो गया, 30 नंबर का आएगा। इसके बाद बी पार्ट देखिए, अदर स्किल्स में जनरल नॉलेज आएगा, एनवायरमेंटल साइंस आएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगा। तो ये यहाँ पर आपका जो है पार्ट टू 50 नंबर में डिवाइड है, आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का, अदर स्किल्स 20 नंबर का और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका जो है
100 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरीके से इस पीडीएफ में जाएंगे तो नीचे यहाँ पर देखें सोशल स्टडीज़ का पेपर है। सोशल स्टडीज़ में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, पूरा सभी पार्ट वन जो इसमें आपका विषय संबंधित है उसमें देखें सभी टॉपिक यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी देखिए जो आपका पार्ट टू है 50 नंबर वाला वो सेम है, पार्ट टू सभी का सेम है और पार्ट टू का मैंने डिटेल्ड सिलेबस अभी आपको बताया हुआ है क्या क्या यहाँ पर आएगा। इसके बाद नीचे दूसरे सब्जेक्ट दिए गए हैं तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यस्टेड पेपर टू यानी 11th 12th के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें भी सेम वैसे ही है, पार्ट वन जिसमें है जो कि 100 नंबर का, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अब सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है आप इसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसको देख सकते हैं। और जो आपका पार्ट टू जो कि 50 नंबर का, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, ये 50 नंबर का आएगा 30 और 20 नंबर के हिसाब से, तो इसको भी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये पीडीएफ 116 पेज के जिसमें सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो इसको भी आप लोग वेबसाइट या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार स्टेट में जो क्वालिफिकेशन मतलब पासिंग मार्क है वो कितना रहेगा, तो आपको बता दें यहाँ पर जो सामान्य छात्र हैं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और जो बिहार के सामान्य छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर 50% पासिंग मार्क रखा गया है। मतलब 150 नंबर का पेपर है तो आपको 75 नंबर लेकर के आना अनिवार्य है पास होने के लिए। जो BC वर्ग है और EBC वर्ग है उनके लिए यहाँ पर अलग अलग देखिए, BC वर्ग के लिए यहाँ पर 45.5% पासिंग मार्क है तो 150 का आप निकाल सकते हैं 45.5%। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 42.5% है, SC ST PWD और महिलाओं के लिए यहाँ पर 40% है, तो ये आपका यहाँ पर पासिंग मार्क रहने वाला है इस परीक्षा में। अगर आपको पास होना तो इतने मार्क्स आपको लाने होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्टेट एग्जामिनेशन के बारे में कि इसकी आखिर परीक्षा कब करवाई जाएगी, तो आपको बता दें जैसा कि BSEB की तरफ से परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था उस परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक मार्च में आपकी परीक्षा है, 1 मार्च से 20 मार्च के बीच आपकी परीक्षा होगी। अब BSEB अपने नियमानुसार अपने सुविधा के अनुसार किस डेट में परीक्षा करवाएगा इसकी अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये 100% तय है कि मार्च में इसकी परीक्षा होगी और फरवरी लास्ट तक इसके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय शेष बचा नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़िए। और जो पिछले यस्टेड के पेपर हुए हैं ठीक है, तो यस्टेड की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनकी बुक आप लोग ले लीजिएगा, उनके माध्यम से तैयारी करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन के आपके पूरे चांसेस रहेंगे। सिलेक्शन का मतलब क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस रहेंगे। एक बार आपका यस्टेड क्वालिफाई हो गया तो ये आपका आजीवन मान्य रहता है, आप हमेशा बिहार के शिक्षक भर्तियों में आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। जिस तरीके से टेट सीटेट होता है उसी तरीके से यस्टेड भी लाइफ टर्म मान्य है। पास होने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट इंटरनेट की वेबसाइट मतलब BSEB की वेबसाइट पर आ जाता है, वहाँ से आप वेब कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और TRE में आपका वेब कॉपी मान्य होगा ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ दिन बाद आपकी हार्ड कॉपी भी आएगी, तो हार्ड कॉपी आपको संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से मिल जाएगी। जिसकी पिछली बार परीक्षा हुई थी आई थिंक सितंबर वाली, उसके ये जो कॉपी है हार्ड कॉपी वो इस समय डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो आप लोग अपने ज़िले से डाउनलोड कर सकते हैं मतलब इसको ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।